मुझे बहुत खुशी ये जान के कि बनारस का जो क्रिएटिव फोरम है वो गोस्वामी जी के को आमंत्रित कर रहा है सांझी कला के प्रोत्साहन के और प्रसार के लिए। ये बहुत अच्छी एक बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए सांझी कला जो है ये फोक आर्ट लोक कला के अंतर्गत आती है, तकनीकी भी बदलती है। जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, मान्यताओं में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता चलेगा, सौंदर्य बोध भी बदलेगा, अर्थव्यवस्था बदलने से, तकनीकी बदलने से, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रभाव डालती हैं लोक कला पे। तो गाय, अब सबसे पहली सांझी का जो हमको हमने सुना है परंपरा में, और जैसा मैं भी आगरा से हूँ, बचपन में देखता था कि वहाँ गोबर में बनाई जाती थी तो, और मंदिरों में होती थी, दूसरे प्रकार की होती थी। अब सांझी के बारे में ये लोक मत है कि ये वृंदावन में और ब्रज के क्षेत्र में हुई, वहाँ से धीरे धीरे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के बॉर्डर, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहाड़ों में चली जाती है। मुझे नहीं पता है पूर्वांचल में तो नहीं इसका प्रचलन है, लेकिन एक बहुत बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी, बुंदेलखंड में भी सांझ, तो वो ब्रज के क्षेत्र में जितना एरिया आता है धीरे धीरे वहाँ फैलती है, और बहुत जगह की लोक कलाओं की और तकनीक जो है वो सांझी में समाहित होती जाती हैं। तो सांझी जब नगर मंदिरों में पहुँचती है तो कुछ दूसरा रूप कर, और वो परिमार्जित हो जाती है, उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, उसमें नई नई टेक्निक और नए नए पदार्थ जोड़ लिए जाते हैं। तो फिर सांझी को आप देखेंगे बाद में रंगोली से बनना शुरू हो जाती है, चूर्ण से बनने लगती है, फूल से बनती है, पन्नियों से बनती है, तरह तरह के मटेरियल जोड़ते चले जाते हैं। तो सांझी जो है एक लोक कला है जिसका अगर आदि देखेंगे तो वो बिल्कुल आदिम समाज में, कृषक समाज जो है वहाँ से शुरू होता है, जो मिट्टी और गोबर और जो फूल पत्तियाँ रंग बिरंगी खेतों में खिल रही हैं वहाँ से शुरू होता हुआ, और वो धीरे 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 आता है, और आज तो सांझी में आप देखते हैं सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं, आधुनिक चीज़ों का समावेश कर लिया गया है। यहाँ पर एक कलाकार हैं मंजुला चतुर्वेदी जी, उन्होंने कुछ दिन शायद एक वर्कशॉप की थी, मैं गया था तो मैंने देखा कि उन्होंने रेजिन से, जो प्लास्टिसिन आता है उससे सांझी बनाई थी, और उसमें कौड़ी और पन्नी वगैरह ये सारी चीज़ें जोड़ी थी। तो आप माध्यम कुछ, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि लोक कला का ये जो एक स्वरूप है सांझी, वो बहुत पहले से तक बना हुआ है, और कलाकार इसमें अपने सौंदर्य की विक्षा को ढूंढते हैं, देखते हैं, और उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। आज भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं बनारस और आसपास के क्षेत्रों के जो कलाकार हैं, जो रचनात्मक लोग हैं, जो कला सृजन से संबंध रखते हैं, उनसे ये अपील करता हूँ कि वो इस वर्कशॉप में, इस उत्सव में शामिल हों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें, अपने सुझाव, अपनी कृतियों को प्रदर्शित करें, और इस कला को समृद्ध करें।